बहरहाल हम इस वक्त दूसरी खबर पे बढ़ रहे हैं। नरसिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रेसलर नरसिंह नाडा के फैसले के बाद वो क्या कह रहे हैं समझते हैं कि नरसिंह यादव का मनोबल इससे गिरा नहीं है, उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की जनता ने, देश की मीडिया ने इस मसले को उठाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नरसिंह यादव रियो जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। गजल साहब आपने कहा आपको उम्मीद है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप भी आइए, आप इनका भी कुछ ले लीजिए पहले। बिल्कुल, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब खिलाड़ी को इतना साथ दिया और उन्होंने इतना जल्दी मैटर सॉल्व किया, और उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट गुरु कृष्ण सरन सिंह जी, जो कि हमेशा हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और हर समय मेरे साथ रहे, वो इनकी बदौलत जो हूँ आज मैं यहाँ हूँ। और इन्हीं को जैसे मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख रहा था, जिससे इनका हमेशा मुझे हौसला मिला कि नहीं आप प्रैक्टिस करो, आप ही रियो जाओगे। तो बाकी यहाँ पे जो भी मीडिया और जनता और हमारी भारतीय जो खेल मंत्रालय है और सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सभी ने मेरा सपोर्ट किया, सभी ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे न्याय दिलाया। और मैं मीडिया लोग खास करके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा मेरे, कई बार सिर्फ दो पॉजिटिव किसी खिलाड़ी का आज तक किसी मीडिया ने मतलब साथ नहीं दिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इतना आप लोगों ने उठाया कि मुझे न्याय मिला, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को उम्मीद मुझसे यही है कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊँ, और आप लोगों को इससे जब अपने कंट्री के लिए अपने मेडल जीती, इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। हमारे हमारे वकील साहब हैं जिन्होंने जजमेंट को पढ़ा है, जिन्होंने केस किया है, आप जो धारा वारा बता दीजिए वो जरा एक मिनट। आप इधर आ जाओ, आप एक मिनट।